हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। आज हम यहाँ पे इंस्टा पीटी 2020 एक्सक्लूसिव कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम का जो मैगजीन है इनका, इनसाइट एस का, जो मई से 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक है। हमने पिछले वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो स्कीम्स था उसके अंडर में जो भी स्कीम्स थे, 12 स्कीम्स थे, वो हमने यहाँ पे किया था। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप ये इसी चैनल पर UPSC चिंगू करके जो मेरा चैनल है उस पर देख सकते हो। सो आज हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली फार्मर्स वेलफेयर से रिलेटेड स्कीम्स करेंगे। उसके बाद में हम वन बाय वन जो भी जो टॉपिक्स दिए इसमें कंटेंट में वो डिस्कस करेंगे इसी चैनल पर। सो हम आगे करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में ये फर्स्ट स्कीम दिया है इन्होंने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कैबिनेट ने अप्रूव किया था, चेंजेस किए थे इन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में टू एड्रेस द एग्जिस्टिंग चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन। कुछ चेंजेस अप्रूव किए थे वो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट चेंजेस था एलोकेशन ऑफ द बिजनेस टू इंश्योरेंस कंपनीज टू बी डन फॉर द 3 ईयर्स। सेंट्रल सब्सिडी अंडर द PMFBY एंड RWBCIS टू बी लिमिटेड फॉर द प्रीमियम रेट्स अप टू 30% फॉर द अनइरिगेटेड एरियाज क्रॉप्स एंड 25% फॉर द इरिगेटेड एरियाज क्रॉप्स के लिए। वो देखना आप, 30% फॉर द अनइरिगेटेड के लिए किया था और 25% फॉर द इरिगेटेड एरिया के लिए किया था। डिस्ट्रिक्ट हैविंग 50% और मोर इरिगेटेड एरिया विल बी कंसिडर्ड एज अ इरिगेटेड एरिया डिस्ट्रिक्ट। एडिशनल रिस्क कवर इरिगेटेड एरिया डिस्ट्रिक्ट। फोर्थ है फ्लेक्सिबल टू स्टेट्स एंड यूटीज टू इम्प्लीमेंट द स्कीम विद द ऑप्शन टू सिलेक्ट एनी एंड और मेनी एडिशनल रिस्क कवर फीचर्स लाइक प्रिवेंटिंग सोविंग लोकलाइज कैलेमिटी मिड सीजन एडवर्सिटी एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। फिफ्थ है फॉर एस्टिमेशन ऑफ द क्रॉप लॉसेज एडमिसेबल क्लेम्स टू स्टेप प्रोसेस टू बी एडोप्टेड बेस्ड ऑन डिफाइंड डेविएशन मैट्रिक्स यूजिंग स्पेसिफिक ट्रिगर्स लाइक वेदर इंडिकेटर्स सैटेलाइट इंडिकेटर्स एट्सेट्रा फॉर ईच एरिया अलॉन्ग विद द नॉर्मल रेंजेस एंड डेविएशन रेंजेस। इनरोलमेंट अंडर द स्कीम टू बी मेड बाय द वॉलंटरी फॉर ऑल फार्मर्स के लिए है। सेंट्रल शेयर इन प्रीमियम सब्सिडी इज टू बी इंक्रीज टू 90% फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयरिंग पैटर्न 50-50 था जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के लिए, वो अभी 90% हो गया है। बैकग्राउंड में क्या है, अंडर द PMFBY इट इज़ मैंडेटरी टू फॉर द लोनी फार्मर्स टू टेक इंश्योरेंस कवर्स अंडर दिस स्कीम। करंटली 58% ऑफ द टोटल फार्मर्स आर लोनी। वेरियस फार्मर्स बॉडी एंड स्टेट्स वेयर रेजिंग सम कंसर्न ऑन दिस। महाराष्ट्र हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंटीग्रेट इट्स लैंड रिकॉर्ड विद द वेब पोर्टल द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। दिस विल हेल्प इन टेकिंग द केसेस ऑफ ओवर इंश्योरेंस इंश्योरेंस फॉर ऑफ मोर लैंड दैन इन पोजेशन एज वेल एज द इंश्योरेंस इन एलिजिबल पीपल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में दिया है, लॉन्च हुआ था अप्रैल 2016 में लॉन्च हुआ था ये। इट वॉज फॉर्मुलेटेड इन लाइन विद द वन नेशन वन स्कीम थीम एंड रिप्लेसिंग अर्लियर टू स्कीम नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम्स NAIS एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को MNAIS को इन्होंने इसमें डाल दिया था, प्रधानमंत्री FBY को इसमें रिप्लेस किया था। सॉरी, ये दोनों स्कीम अभी रिप्लेस हो गई PMFBY में। सो कवरेज क्या है, स्कीम कवर्स ऑल फूड ऑल सीड्स क्रॉप्स एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स फॉर विच पास्ट इल डाटा इज अवेलेबल एंड फॉर विच द रिक्विसाइट नंबर ऑफ द क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट CCEs आर बीइंग कंडक्टेड अंडर द जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे GCEs। प्रीमियम क्या है, 2% फॉर द खरीफ के लिए, 1.5% फॉर द रवी क्रॉप के लिए है, 5% फॉर द कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए है। सो आपको ये डिफरेंस इनमें जो क्रॉप्स है ना, खरीफ क्रॉप्स वगैरह, इसमें डिफरेंस होना पता होना चाहिए कि खरीफ में कौन से प्रोडक्ट होते हैं, रबी में क्या होता है, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है। हॉर्टिकल्चर मेनली इसमें फ्रूट्स वगैरह होते रहते हैं। खरीफ में जो मानसून, इसमें मानसून के ड्यूरेशन में आता है, रबी जो विंटर में आता है, लाइक गेहूँ वगैरह वीट वगैरह जो आता है। सो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स के बारे में दिया है। सेकंड फेज ऑफ द स्कीम इम्प्लीमेंटेशन 11.69 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फार्मर्स इन 2 ईयर्स एंड द स्कीम हैड लीड टू डिक्लाइन 8-10% इन द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड आल्सो रेज प्रोडक्टिविटी बाय 5-6%। स्कीम के बारे में दिया है, लॉन्च 2015 में हुआ था। अंडर द स्कीम गवर्नमेंट प्लान्स टू
plans to issue soil cards to farmer, which will carry crop-wise recommendation of nutrients and fertilizers required for the individual farms. This will help farmers to improve the productivity through the judicious use of inputs. Soil health के बारे में दिया है यहाँ पे is used to assess the current status of soil health and when used over time to determine the changes in the soil health that are affected by the land management. It display the soil health indicators and associated descriptive terms. The card list soil health indicator that can be accessed without aid in technical laboratory equipment. What it contains? It contains the status of his soil with respect to 12 parameters, namely NPK, micronutrient, secondary nutrient, zinc, iron, copper, magnesium, boron, micronutrient, and pH, EAC, OC, physical parameters. Based on these, the SHC will also indicate fertilizers recommendation and soil amendment required for the farm. थर्ड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में पीएम किसान, ये इन्होंने इसने भी एक साल पूरा कर लिया है फरवरी 24 को 2020 में. ओवर 8,46,00,000 फार्मर्स कवर्ड अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ ले रहे हैं 8,46,00,000 फार्मर्स. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में यहाँ पे दिया है. The scheme was started with the view to augment the income of the farmers by providing income support to all farmers families across the country to enable them to take care of expenses related to agriculture and allied activities as well as the domestic needs. Under the scheme, the amount of 6,000 per year is transferred to in the 3-4 month installment of 2,000 directly to into the bank account of the farmers subject to certain exclusion criteria relating to higher income status. The entire responsibility of identification of beneficiaries rests with the state and UT government. Ambit kya hai? The scheme initially provided the income support to small and marginal farmers families across the country holding cultivated and land up to 2 hectare. 2 hectare तक ही सीमित था स्कीम. बाद में इसको इट्स एम्बिट वॉज लेटर एक्सपांडेड विथ रिस्पेक्ट टू द 1 जून 2019 के बाद में टू कवर ऑल फार्मर्स के लिए ये किया था इन द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग. ये बढ़ाया गया था बाद में 2 हेक्टर से पूरा मतलब सभी के लिए ये फिर अवेलेबल कर दिया गया था. एक्सेप्शन क्या था इसमें, एफ्लुएंट फार्मर्स हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कीम सच एज इनकम टैक्स पेयर इन द लास्ट असेसमेंट ईयर, प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एट्सेट्रा, पेंशनर्स ड्रॉइंग एटलीस्ट 10,000 पर मंथ एक्सक्लूडिंग MTS क्लास 4th ग्रुप डी एम्प्लॉयज एंड ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स. वट इज स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर फैमिलीज, कभी कभी ये मेन्स वगैरह में काम में आ जाता है आपको. सो देखते हैं. इट कंप्राइजेस ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड माइनर चाइल्ड्रेन अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज हु कलेक्टिवली ओन कल्टिवेटेड लैंड अप टू 2 हेक्टर्स एज पर द लैंड रिकॉर्ड ऑफ द कंसर्न स्टेट्स. सिमिलरली प्रोग्राम बाय द स्टेट्स भवंतर भुगतान योजना इन मध्य प्रदेश की यह स्कीम है टू प्रोवाइड ए रिलीफ टू द फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग द डिफरेंशियल बिटवीन MSP एंड मार्केट प्राइस. रायतु बंधु स्कीम के बारे में ऑफ द तेलंगाना प्रोवाइड 4,000 पर एकर फॉर एवरी सीजन टू ऑल द फार्मर्स ऑफ द स्टेट. सिमिलरली इनिशिएटिव हैज आल्सो बीन फ्रेम्ड इन झारखंड एंड उड़ीसा. सो ये कुछ स्टेट की स्कीम है, भावंतर भुगतान योजना या फिर रायतु बंधु स्कीम तेलंगाना की, कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड इनकम एगमेंटेशन कालिया स्कीम ये उड़ीसा की है. इसमें भी 5,000 देने वाले थे ट्वाइस ईयर, दैट इज 10,000 ईयर, 10,000 पर साल का. और फोर्थ है यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY इज एन ओल्ड एज पेंशन स्कीम फॉर ऑल लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स SMFS इन द कंट्री. द स्कीम इज वॉलंट्री एंड कंट्रीब्यूटरी है. सो एज ग्रुप दिया है यहाँ पे 18 साल से 40 साल तक. मंथली पेंशन 3,000 इसको मिलने वाले थे. विल प्रोवाइड टू देम एंड अटेंडिंग एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, 60 साल के जब होंगे तब 3,000 पेंशन मिलेंगी.
स्पाउस इज़ आल्सो एलिजिबल टू गेट सेपरेट पेंशन ऑफ ₹3,000, मतलब जो भी स्पाउस या पत्नी वगैरह जो रहेंगी उनको 3,000 मिलेगा, एलिजिबल है, स्पाउस आल्सो एलिजिबल टू सेपरेट पेंशन कंट्रीब्यूशन टू द फंड। इनिशियल कंट्रीब्यूशन क्या है इसमें, ₹55 से लेकर ₹200 तक आप डिपेंडिंग ऑन देयर एज ऑफ एंट्री द पेंशन फंड टिल दे रिच रिटायरमेंट डेट दैट इज एज ऑफ 60 ईयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट विल आल्सो मेक द इक्वल कंट्रीब्यूशन द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया शॉल बी द पेंशन फंड मैनेजर एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेंशन पे आउट। If there is a no spouse, the spouse will receive 50% of the pension as a family pension. To beneficiary may opt voluntary to exit scheme after minimum period of 5 years of regular contribution in case of default in making regular contribution. So fifth schemes में आते हैं हम यहाँ पे। Participatory guarantee scheme है PGS, Union Agriculture Ministry ने PGS is the process certifying organic product. यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट आईफोम द बॉर्न बेस्ड ग्लोबल एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट PGS आर लोकली फोकस्ड क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम सिस्टम दैट दैट सर्टिफाई प्रोड्यूसर्स बेस्ड ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड आर बिल्ट ऑन फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट सोशल नेटवर्क नॉलेज एक्सचेंज। यहाँ पे सिक्स स्कीम के बारे में दिया है। स्कीम टू सपोर्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एनकरेजिंग प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग अंडर द टू डेडिकेटेड स्कीम नेमली मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन MOVCD NER और दूसरी है परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY 2015 से चालू है दोनों स्कीम। ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज़ आल्सो सपोर्टेड अंडर द स्कीम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY एंड मिशन फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग अंडर द ICAR द थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज प्रमोटेड बाय द एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APDA मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अबाउट MOVCD NER इसके बारे में यहाँ पे दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया है। दिस सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन MOVCD NER फॉर द इम्प्लीमेंटेशन इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आसाम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा, ये स्टेट ध्यान में रखना। द स्कीम एम एट डेवलपमेंट ऑफ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इन अ वैल्यू चेन मोर टू लिंक ग्रोवर विद कंज्यूमर एंड टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर वैल्यू चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द इनपुट सीड सर्टिफिकेशन एंड क्रिएशन एंड ऑफ फैसिलिटी फॉर कलेक्शन एग्रीगेशन प्रोसेसिंग मार्केटिंग ब्रांड बिल्डिंग इनिशिएटिव। द सिस्टम इज ऑल प्रोवाइडेड फॉर द क्लस्टर डेवलपमेंट ऑन ऑफ फार्म इनपुट प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ द सीड प्लांटिंग मटेरियल सेटिंग ऑफ द फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग यूनिट रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन प्री कूलिंग कोल्ड स्टोर चैम्बर ब्रांडिंग लेबलिंग पैकेजिंग हायरिंग ऑफ स्पेस हैंड होल्डिंग ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन थ्रू थर्ड पार्टी मोबिलाइजेशन ऑफ फार्मर्स प्रोसेसर एट्सेट्रा। परंपरागत कृषि विकास के बारे में यहाँ पे दिया है। इज एन एलेबोरेटेड कंपोनेंट ऑफ सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट SHM ऑफ मेजर प्रोजेक्ट नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA implementation under the PKVY organic farming is promoted through the adaptation of the organic village by cluster approach and PGS certification. 50 and more farmers will form a cluster having 50 acres land to take up the organic farming under the scheme. The produce will be pesticide reduced acid free and will contribute to improving the health of the family consumers. सो ये हमने 6 टॉपिक किए इसमें। इसके बाद में हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म, ये जो स्कीम है इसके बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्चेस द स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च की है इन कोलेबोरेशन विद द IBM।
की फैक्ट्स क्या हैं, लॉन्च बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम अ 2-year एडवांस डिप्लोमा इन IT नेटवर्किंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग को क्रिएटेड एंड डिजाइन बाय द IBM विल बी ऑफर्ड एट द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITIs एंड नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTIs द प्लेटफॉर्म विल बी एक्सटेंडेड टू ट्रेन ITIs एंड NSTI फैकल्टी ऑन बिल्डिंग स्किल्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो इससे रिलेटेड है. सेकंड है महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम. मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च की है महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम विद द IIM बैंगलोर के साथ में. सो कभी कभी सेंटेंस में पूछ लिया जाता है कि किसके साथ में लॉन्च किया है. IIM दे देंगे, IIT दिल्ली दे देंगे, या फिर IIT और कुछ यहाँ पे दे देंगे. सो आप ध्यान में रखना IIM बैंगलोर के साथ में हुआ है यहाँ पे. सॉरी IIT नहीं IIM. Details of the program. It is a 2-year fellowship program to boost the skill development at a district level, designed under the skill acquisition and knowledge awareness of for livelihood promotion Sankalpa. It aims to address the challenges of the non-availability of the personnel for implementation of various programs at a national, state and district levels. It has an inbuilt component of on-ground practicals experience with the district administration. Launch on pilot basis in 75 district across the Gujarat, Karnataka, Meghalaya, Rajasthan, Uttar Pradesh and Uttarakhand. Eligibility kya hai iska? Eligible fellows for the program have to be in 21 to 30 years age group, have graduation degree from recognized university and to be citizens of India. Proficiency in official language of the state of the field in the will be mandatory. संकल्प स्कीम के बारे में देखते हैं. ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर. इट इज़ एन आउटकम फोकस स्कीम्स मेकिंग द शिफ्ट इन गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी इन वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग फ्रॉम इनपुट्स टू रिजल्ट्स. इट विल प्रोवाइड मार्केट रिलेवेंट ट्रेनिंग टू 3.5 करोड़ यूथ. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू एनहांस द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर द स्किल डेवलपमेंट एंड टू इंक्रीज द एसेस टू क्वालिटी एंड मार्केट रिलेवेंट ट्रेनिंग ऑफ फॉर द वर्क फोर्स. इम्प्लीमेंटेशन इट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड इम्पेटस टू द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015 एंड इट्स वेरियस सब मिशन. इट इज़ अलाइन टू फ्लैगशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम सच एज मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, एम्स एट डेवलपिंग ग्लोबल कॉम्पिटेटिव वर्क फोर्स फॉर डोमेस्टिक एंड ओवरसीज रिक्वायरमेंट. अंडर द संकल्प 4 की रिजल्ट एरियाज हैव बीन आइडेंटिफाइड किए हैं. इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एट नेशनल एंड स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज पॉपुलेशन इन स्किल डेवलपमेंट, एक्सपांडिंग स्किल्स थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPPs. 4th है यहाँ पे जन शिक्षा संस्थान JSS फॉर्मरली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन HRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. जन शिक्षण संस्थान वॉज ट्रांसफर्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन 2018 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ HRD से यहाँ पे डाल दिया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में. जन शिक्षण संस्था वेयर एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू नॉन लिटरेट न्यू लिटरेट एज वेल एज स्कूल ड्रॉपआउट्स बाय आइडेंटिफाइंग स्किल्स एज वुड हैव मार्केट इन द रीजन ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट. दे वेर फॉर्मली नोन एज अ श्रमिक विद्यापीठ. द JSS वॉज यूनिक. दे लिंक लिटरेसी विद वोकेशनल स्किल्स एंड प्रोवाइड लार्ज डोजेस ऑफ लाइफ एनरिचमेंट एजुकेशन टू द पीपल. दे एम टू द कन्वर्जेंस विद द स्टेक होल्डर इन द सोसाइटी. इट इज देयर एंडेवर टू शेप देयर बेनिफिशरी इन टू सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ एश्योर्ड एम्प्लॉयज एंड एंटरप्रेनर्स. सो ये था यहाँ पे जन शिक्षण संस्था के बारे में. सो हमारा नेक्स्ट गवर्नमेंट जो अम्ब्रेला स्कीम है उसके अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ HRD हमारा उसके अंडर में कुछ स्कीम्स लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, वो देखते हैं हम यहाँ पे. सो ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD स्कीम हम अपने आने वाले अगले वीडियो में देखेंगे Part 3 में. सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. मैं मिलते हैं हम अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू सो मच.